जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि लगातार भारतीय रेलवे नई नई ट्रेनों का संचालन इस साल 2024 में लगातार करती जा रही है। और कई रूटों पर मैंने आपको बताया कि नई नई ट्रेनों का संचालन और कई ट्रेनों को नए LHB रैक भारतीय रेलवे ने दिए हैं। और इसी में एक रिपोर्ट निकल कर सामने आ रहा है कि 24 जनवरी के दिन यानी कि कल के दिन भारतीय रेलवे एक और नई ट्रेन की शुरुआत करने जा रही है। तो किस रूट पर इस ट्रेन का चालन भारतीय रेलवे करने वाली है, ट्रेन नंबर होने वाला है और इस ट्रेन का क्या नाम है, सारी डिटेल इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों पटना के रेल यात्रियों को 24 जनवरी से एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। इसे पटना और भागलपुर के बीच रेल सफर और भी सुगम हो जाएगा। साथ ही पटना से भागलपुर के बीच यह सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन होगी। वहीं ट्रेन पटना से दुमका को जोड़ेगी, जो दो शहरों के बीच चलने वाली पहली ट्रेन होगी। दरअसल किउल जमालपुर भागलपुर के रास्ते पटना और दुमका के बीच नई ट्रेन नंबर 133-34 और 133-33 पटना दुमका एक्सप्रेस का परिचालन बुधवार यानी कि 24 जनवरी से होगा। ट्रेन का शुभारंभ दुमका से उद्घाटन स्पेशल के रूप में किया जाएगा। ट्रेन का पटना और दुमका के मध्य नियमित परिचालन 25 से होगा। 25 जनवरी से गाड़ी संख्या 133-34 पटना दुमका एक्सप्रेस पटना से सुबह 6:40 पर खुलकर दोपहर 1:30 पर दुमका आपको पहुंचाएगी। उसी तरह वापसी में गाड़ी संख्या 133-33 दुमका पटना एक्सप्रेस दुमका से दोपहर 2:05 पर खुलेगी और रात 9:45 पर पटना पहुंचेगी। यह ट्रेन पटना और दुमका के मध्य राजेंद्र नगर, बख्तियारपुर, बाढ़, किउल, अभयपुर, जमालपुर आदि स्टेशनों पर रुकेगी। दोस्तों भारतीय रेलवे 2024 में नई नई ट्रेनों की सौगात लगातार देते जा रही है और इसमें बिहार को भारतीय रेलवे ने कई ट्रेनों की सौगात आपने देखी कि लगातार भारतीय रेलवे दे रही है, जिसमें आपको अमृत भारत की भी सौगात शामिल है, जो कि पहली अमृत भारत ट्रेन बिहार को मिल चुकी है, जो कि आनंद विहार और दरभंगा के बीच फिलहाल में चल रही है। और उसी के बीच जो क्षेत्र ट्रेन से वंचित या फिर ट्रेनों की जिन रूटों पर ट्रेनों की ज़्यादा कमी थी, उस रूट पर भी भारतीय रेलवे लगातार नई नई ट्रेनों का संचालन कर रही है, जिसमें आप देख रहे हैं कि राम मंदिर के इनॉग्रेशन हो जाने के बाद भारतीय रेलवे पर बहुत ही ज्यादा बोझ बढ़ गया है, क्योंकि हर रूट से नई नई ट्रेनों का संचालन करना पड़ रहा है, जिससे श्रद्धालु आराम से राम मंदिर आकर दर्शन करके और फिर अपने घर तक वापस जा सके। ये तो राम मंदिर के इनॉग्रेशन के बाद भारतीय रेलवे को 1000 नई ट्रेनों का संचालन अयोध्या के लिए करना पड़ा। और जो अन्य अन्य रूटों से भारतीय रेलवे कर रही है, जो कि आने वाले दिनों में आपको दिखेंगे कि हर रूट से आपको अयोध्या के लिए ट्रेन मिलने वाली है। इसी में जो रिपोर्ट निकल कर सामने आया था कि बिहार को फिर से एक नई ट्रेन की सौगात भारतीय रेलवे ने दी है, जो कि पटना से और दुमका के बीच भारतीय रेलवे चलाने वाली है। नई ट्रेन का परिचालन पटना और दुमका के बीच भारतीय रेलवे कल के दिन यानी कि 24 जनवरी से इस ट्रेन का शुभारंभ भारतीय रेलवे करने वाली है। तो अगर आप इस रूट से आए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। नई नई ट्रेनों की जानकारी मैं आपको बराबर देता रहूंगा। फिलहाल दोस्तों ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ। तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।